अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि अंजुमन साहिबा ने ममता साहिबा का वार्म वेलकम किया और उनके जो ख्यालात थे, उनके जो जज्बात थे, उन्होंने वो शेयर किए। उसका जवाब यानी कि अंजुमन साहिबा को जो रिप्लाई किया ममता साहिबा ने, आज मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अदाकारा अंजुमन के पुरखलूस जज्बात पर इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। कराची की ये रिपोर्ट है और ममताज साहिबा से खुद भी बातचीत होती रहती है, वो अपडेट देती रहती हैं। पाकिस्तान की खूबसूरत मायनास अदाकारा ममताज जो इन दिनों कराची में कयाम पजीर हैं, उन्होंने अपने हालिया बयान में ये कहा है कि मैं अपनी साथी अदाकारा अंजुमन की बेहद ममनून हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले मेरे आने पर उन्होंने अपने खुलूस भरे जज्बात का इजहार करते हुए मेरा खैर मकदम किया। मैं और अंजुमन जिस दौर में फिल्मों में काम कर रही थी वो पाकिस्तान की फिल्मी सनत का सुनहरा दौर था। इस हवाले से हमारी फिल्में लोगों में बहुत पसंद की जाती थी। इन फिल्मों की यादें और बातें आज भी मेरे जहन में मौजूद हैं। अदाकारा मुमताज ने कहा कि कनाडा में मुझे अपने वतन की बहुत याद आती थी और अपने साथी फनकारों की भी बहुत याद आती थी। मैं आज भी पाकिस्तान आकर बेहद खुश हूँ कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। खास तौर पर अदाकारा अंजुमन की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। वो वाकई ही एक बहुत अच्छी अदाकारा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी इंसान है और एक बहुत अच्छी दोस्त भी है। इस हवाले से इसने अपनी दोस्ती को याद रखा और मेरे आने पर अपनी खुशियों का इजहार करके मेरी इज्जत अफजाई फरमाई। मैं एक बार फिर से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुमताज़ साहिबा ऐसा नाम है कि उनको हर कोई याद करता है। उनके हलाक की वजह से एक बहुत बड़ी फनकारा होने के बावजूद भी कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं। हमेशा ही वो ऐसे बात करती हैं कि जैसे महसूस नहीं होता कि वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। उम्मीद है कि जिन लोगों ने कल वाली वीडियो देखी है उनको ममता साहिबा के जवाब का भी इंतज़ार होगा, तो बस एक दिन का ही इंतज़ार आपको करवाया। अल्लाह पाक ममता साहिबा को बहुत सारी खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन, और जल्द अज जल्द वो लाहौर आएँ ताकि हम लोग उनसे जल्दी जल्दी मिल सकें। थैंक यू सो मच। कमेंट्स के ज़रिए इस न्यूज़ के बारे में भी आपने ज़रूर बताना है कि आपको मालूम था या नहीं। लास्ट वीडियो में आबिद साहब ने बताया कि उन्होंने ये न्यूज़ नहीं सुनी थी, तो आप भी ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।